बारिश की लंबी खेच होने के कारण इसका विपरीत असर सोयाबीन और अन्य फसलों पर पड़ा है। फसल पीली पड़ रही है, कहीं किसानों की सोयाबीन सूख गई है तो कहीं फल नहीं आने की चिंता किसानों को सता रही है। तो कुछ किसानों ने तो अपनी फसल पर ट्रैक्टर भी चला दिया है। सोमवार को खंडवा जिले के किसानों ने कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर जिला कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने खंडवा जिले के ग्राम सिहाड़ा, पल्पना, मुंडवाड़ा, गोकुल गांव, जावर, सतवाड़ा, बड़गांव, माली सहित पूरे जिले के किसान बैलगाड़ी और ट्रैक्टर ट्रॉली से पहुंचे। ज्ञापन में किसानों ने सरकार से मांग की है कि खंडवा जिले को सूखा घोषित किया जाए एवं सरकार किसानों को उचित मुआवजा और बीमा राशि दे। आज जिन नेताओं की किसानों को जरूरत है वह भोपाल के चक्कर लगा रहे हैं और टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, जबकि अन्नदाता किसान आज परेशान है, फसलें पूरी खत्म होने की कगार पर है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य रणधीर केतवास ने कहा है कि किसान वर्षा नहीं होने से और फसलें खराब होने से चिंतित और परेशान है, वही किसान कर्जदार हो रहा है। किसानों ने कहा है कि सोयाबीन की फसल खराब हो रही है तथा अपवर्षा के कारण यह स्थिति बनी है, लेकिन किसानों को आगामी रबी सीजन की चिंता सता रही है। अगर बारिश नहीं हुई तो फिर बाद गेहूं चने की फसल आसान नहीं रहेगी। इस संबंध में किसानों ने बताया कि इस वर्ष सोयाबीन की फसल कैसी रहेगी, पानी की खींच के कारण फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। ज्ञापन देने जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि रामपाल सिंह सोलंकी, प्रतीक साथले, राजकुमार केतवास, लखन कटरिया, सावनपाल चंदू खान, भारत पटेल सहित जिले के सैकड़ों किसान कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया। खंडवा से भवानी प्रसाद की रिपोर्ट।